कटनी जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से एक कैदी अपने कुछ साथियों की मदद से वार्ड में लगा ताला तोड़कर फरार हो गया है। जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी के कैमरों में भागते हुए कैदी की फुटेज भी कैद हुई है, जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस तलाश कर रही है। फरार आरोपी का नाम देवी सिंह है, जो कि दमोह जिले का निवासी है। साथ ही विजय राघवगढ़ में तिहरे हत्याकांड के मामले में कटनी जेल में बंद था। खून की कमी के चलते उसे कटनी जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में 9 सितंबर को भर्ती किया गया और फिर देर रात अपने कुछ साथियों के मदद से फरार हो गया। जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार एक कैदी देवी सिंह वल्द शंकर 32 वर्ष आयु का था, जिला जेल से कल दोपहर 12:19 बजे लाया गया था। वो 12:43 बजे वो जिला चिकित्सालय में भर्ती हुआ कल दोपहर में। उसको भर्ती के समय बुखार, थोड़ा सा सदमा और खून की कमी बताई गई थी। स्टाफ ने उसको नोटिस नहीं किया, इधर उधर सर्च की, पता नहीं लगा, तो फिर तत्काल पुलिस को लिखित सूचना दी गई। कटनी जेल सेंट्रल जेल से देवी सिंह उर्फ अजय सागर निवासी है, बिजरावगढ़ में ट्रिपल मर्डर किया था उसने 2-3 साल पहले। वो बीमार होने का बहाना करके और यहाँ आया था, अस्पताल में भर्ती हुआ था और हथकड़ी निकाल करके वो कैद से भाग गया है। सर कब की घटना है? कल रात की घटना है, सीसीटीवी वीडियो में दिखा है, उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ अपराध कायम हो गया है, गिरफ्तारी के प्रयास किए, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।